और उसके साथ एक खूबसूरत सी मस्जिद भी बनी हुई है जो कि पूरी लकड़ियों से बनी हुई है। और इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला गांछे के एक प्यारे से गांव खाने में, और ये आप देख सकते हैं देसी स्टाइल है ये, और यहाँ पूरा पत्थरों का बना हुआ है और इसमें ये गायें वगैरह यहाँ पर रखा जाता है। ये तकरीबन आबादी से दूर यहाँ पे बनाया जाता है ये छोटा सा गायें बकरियों के लिए, आबादी से काफ़ी दूर। और यहाँ पर पूरी जो गर्मियाँ होती हैं, पूरी गर्मियों का जो सीज़न में जो गायें या माल मवेशी जो हैं उसको यहाँ पर रखा जाता है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटे छोटे हट बने हुए हैं और यहाँ पर इन जानवरों को रखा जाता है। तो काफ़ी अच्छा बनाया है ये, और ये शुरू से सदियों से ये एक यहाँ का, आप सदियों से यानी कि एक फार्मूला समझें कि गांव से दूर अच्छा यहाँ पर जंगल पे लाया जाता है और उसके 6 महीने तक इन गायें बकरियों को यहाँ पर रखा जाता है। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं मज़ीद यहाँ पर और भी इस तरह सराखाने बने हुए हैं, यहाँ पर बैल बकरियाँ और माल मवेशी रखी जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी तादाद पर बकरियाँ मौजूद हैं, और यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे नाज़रीन एक छोटा सा बच्चा भी है बकरियों का। तो बड़ी पैमाने पर यहाँ पर बैल बकरियाँ मौजूद हैं। आप लोगों को यहाँ का एक पुराना तर्ज का एक सराहा हम दिखा रहे हैं जहाँ पर बैल बकरियों को रखा जाता है। काफ़ी सदियों से ये यहाँ पर ये सिस्टम है, यहाँ पर बैल बकरियों को रखा जाता है और बिल्कुल अंदर एक छोटी सी कॉलोनी बनाई गई है, और इस कॉलोनी में मुख्तलिफ आपको यानी कि जिस तरह हम कहें जी कैटेगरीज में इसको डिवाइड करके रखा गया है। कुछ सराखानों में यहाँ पर बैल बकरियों को रखा गया है, कुछ में अच्छा गायों को, और कुछ में यहाँ के जो याक होते हैं उनको यहाँ पर रखा गया है। तो काफ़ी अंदर काफ़ी कॉलोनी बनी हुई है, गलियाँ बनी हुई हैं और बिल्कुल पहाड़ के सामने ही, और इसमें देखिए जी काफ़ी खूबसूरत बनाई गई है। और यहाँ पर एक बंदा प्रॉपर ड्यूटी पे होता है जो कि तकरीबन 3 से 4 महीने यहाँ पर बैठता है, उसके बाद दूसरे की बारी आती है गांव वाले की। वो बारी सिस्टम यहाँ पर रखा गया है। तो काफ़ी यहाँ पर अच्छा जानवरों की एक खूबसूरत कॉलोनी बनाई गई है, मुझे तो काफ़ी पसंद आई है। और ये देख सकते हैं ये गली वगैरह, और यहाँ पर कुछ और चीज़ भी बने हुए हैं देखें, और यहाँ के जो गोबर वगैरह इनको बाकायदा सुखाया जाता है और ताकि ये सर्दियों में ये इस्तेमाल कर सके। तो मज़ीद हम आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं मज़ीद दूसरे खानों में कौन कौन से जानवर रखे गए हैं। यहाँ पर भी कुछ गायें बकरियों को रखा गया है, और यहाँ पर गोरिस आगे थोड़ा बहुत जंगल भी है। तो काफ़ी खूबसूरत और दिलकश मनाज़िर यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे।